Good morning dear students, welcome to English class. Students, in the previous video I have discussed you the types of sentences, what is sentences and parts of sentences. I hope you all finish your exercise. In today's video I am going to discuss the exercise of this lesson. Now look at the screen. The first exercise, tick the correct option. Students, here are some phrases and you have to choose the correct phrases to the given sentences. In the morning after the storm the top dash was covered with snow. अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा फ्रेजेस यहाँ पर सही रहेगा. इन द मॉर्निंग आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद किसी चीज़ का टॉप कवर्ड हो गया किससे, स्नो से. तो किसका टॉप, ऑफ द कार, ऑफ द गार्डन, ऑफ द पेन. तो ऑफ द पेन का होगा नहीं, ना तो कार का होगा क्योंकि ये सब छाए में रखी रहती है, इस पर बारिश नहीं पड़ता. तो ऑफ द गार्डन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नाउ द सेंटेंस इज, इन द मॉर्निंग आफ्टर द स्टॉर्म द टॉप ऑफ द गार्डन वॉज कवर्ड विद स्नो. लाइक वाइज द सेकेंड, वन डे एट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस आई सॉ ग्रीन स्नेक क्रॉलिंग. कहाँ पर क्रॉलिंग करता हुआ गया ग्रीन स्नेक, इन हिज चाइल्डहुड, ये तो होगा नहीं. इन टू अ बुश, झाड़ियों के बीच में. इन अ मिनट, ये भी नहीं होगा. ठीक है, तो आपको करेक्ट फ्रेजेस चुनने हैं. आई वॉक टू वॉक, आई लाइक टू वॉक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अंडर द ट्रीज. बेयर फूट इन समर, तो होगा नहीं क्योंकि बेयर फूट कोई घूमता नहीं है समर सीजन में. ऑन द सेल्फ, सेल्फ सर कोई नहीं घूमता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज अंडर द ट्रीज. माई फादर टेक्स द डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग टू अ नियर बाई पार्क. यू कैन नॉट इंटर द स्टेडियम फ्रॉम द मैदान साइड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स. नाउ सिक्स, आई सी वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन ट्विस अ डे इन द समर. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द यूजेज ऑफ फ्रेजेस. नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज, नेम द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज गिवेन बिलो. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आई हैव यू राइट अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इन द प्रीवियस वीडियो. अब आपको यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस है उसके सामने लिखना है. प्लांट्स एंड नर्चर्स एट लीस्ट वन प्लांट एवरी ईयर. ये कैसा, किस टाइप का सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई बात आपको बताई जा रही है, डिक्लेयर की जा रही है. आई एम गोइंग टू पटना नेक्स्ट डे, इट इज़ ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट. देखो इसमें क्वेश्चन मार्क है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इट इज़ नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट एंड एन इम्परेटिव सेंटेंसेज. वुड यू लाइक टू हैव अ कप कॉफ़ी और टी, इसका यूज़ हम किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं कि क्या कृपया आप कॉफ़ी या टी लीजिए, तो एक तरह का रिक्वेस्ट है और इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे. वाओ, व्हाट अ वंडरफुल सीनरी, ये तो एग्जामेट्री सेंटेंस है. व्हाट अ ग्रेट नॉवेल वॉर एंड पीस इज, ये भी एग्जामेट्री सेंटेंस है. यू आर लेट फॉर योर स्कूल, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डोंट स्पीक ओवर देयर, स्टूडेंट इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस. एज यू नो इम्परेटिव सेंटेंसेज बिगिन विद वर्ब. स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है. स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में, ग्रामर की फेयर कॉपी में लिख लेंगे एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी. थैंक यू चिल्ड्रेन.